नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। क्या मिलेगी आपको करियर और व्यापार में तरक्की? सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? क्या इस समय रिलेशनशिप को शादी में बदलने के लिए सही है? क्या आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार? आज राहु काल का समय कब है? क्या सुरक्षित होगा क्रिप्टो में निवेश? क्या आज के दिन नए कार्यों की शुरुआत के लिए होगा शुभ? कौन सा रंग होगा आपके लिए लकी? हम बताएंगे आपको आज के राशिफल में। आइए पहले हम नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर और जानेंगे तिथि, नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त और योग और आज का राहु का। अब जानते हैं 24 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार का आज का पंचांग। विक्रम संवत चल रहा है 2078, शक संवत 1943, कली संवत 5123 है। हिंदू पंचांग के अनुसार मास पौष है, पक्ष कृष्ण पक्ष और ऋतु शिशिर ऋतु है। आज पंचमी तिथि शाम 7:34 तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज मगा है जो सुबह 4:10 तक रहेगा, इसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। आज का करण रहने वाला है तैतिल जो शाम 7:34 तक रहेगा, इसके बाद गर करण लग जाएगा जो पूरी रात तक रहेगा। आज बनने वाला योग विषम योग है जो दोपहर 12:01 तक रहेगा, इसके बाद प्रीति योग लग जाएगा। आज चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे, इस समय सूर्य धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर सूर्योदय की बात करें तो आज सूर्योदय सुबह 7:11 पर होगा और अगर हम सूर्यास्त की बात करें तो आज सूर्यास्त का समय शाम 5:30 है। आज चंद्रोदय रात 10:07 पर होगा। चलिए इसके बाद जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:41 तक है। और अब बात कर लेते हैं राहु काल की, जिस समय किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। और आज राहु काल सुबह 11:03 से शुरू होकर सुबह 12:21 तक रहेगा। और इसके साथ ही दर्शकों, हमने आपको आज के पंचांग की संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर आप अपने शहर के अनुसार सटीक पंचांग जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके जानकारी पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, आज जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्राप्त हो। साथ ही साथ जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी ढेरों शुभकामनाएं। शिव पार्वती की तरह आपकी जोड़ी भी सदा सलामत रहे। प्रेम विवाह करियर व्यापार धन नौकरी कुंडली मिलान या विवाह मुहूर्त से जुड़े अपने सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से और पाएं अपनी समस्याओं का समाधान इंडिया के बेस्ट ज्योतिष आचार्यों से। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरू करते हैं आज का राशिफल। राशि चक्र की पहली राशि मेष के साथ। December 24 मेष राशि। सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद करेगा। आप कुछ नया करने के मूड में हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके रिश्ते और आपके करियर सहित आपके जीवन के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर काफी लाभ होगा। आइए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के साथ, अन्यथा अपने मित्र या परिवार के किसी सदस्य के साथ मस्त हो सकते हैं। आपकी सामाजिक गतिविधियां मनोरंजन से भरपूर रहेंगी। अपने चिंताओं एवं कार्यों के दबाव को पीछे छोड़कर भरपूर मनोरंजन करके निकले। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के करियर के बारे में। आपको जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो आज मिल सकेगी। आज आप सभी की नजरों में रहेंगे। सब कुछ आपकी योजना के अनुसार ही चलेगा। इस शुभ समय में आपके करियर में भी वृद्धि होगी। इसे और ऊंचा ले जाने के लिए कोशिश करते रहें। वहीं वित्त के मामले में मेष राशि वालों, आज आपके पैसे ऐसी जगह खर्च हो जाएंगे जिसका कोई मतलब नहीं लगता। कई सारे बिल आपके समय पर आपने जमा नहीं किए थे, इसलिए आपको उनके बिल पर लेट फीस भी भरनी पड़ सकती है। आगे से ध्यान रखें, एक एक बिल का हिसाब रखें और उन्हें समय पर जमा करते रहें ताकि कोई लेट फीस ना लगे। इस बात का भी ध्यान रखें बेवजह के खर्चे बंद हो जाएं। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मेष जातक, ध्यान से आज आप रोमांचित और योग से आप अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीख पाएंगे। योग और ध्यान आपके शरीर को शांत रखने ही बल्कि दिमाग को भी शांत रखना सिखाता है। और आखिर में मेष राशि वालों के लिए टिप्स आते हैं। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार आपके लिए दिन का सबसे शुभ समय शाम 4 से 6 के बीच माना जा सकता है। नीला रंग दिन के लिए भाग्यशाली माना जा सकता है। वृषभ राशि।
सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। किसी व्यक्तिगत या व्यवसायिक लक्ष्य की दिशा में किए गए आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। आपके आसपास के लोग सपोर्टिव रहेंगे और आपको और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। आप अनसुलझे मामलों को संभालें और चीजों को समझने में सक्षम रहेंगे। आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप अपने साथी से मिलने हेतु यात्रा पर जा सकते हैं, अन्यथा दोनों ही एक साथ सैर सपाटे पर जा सकते हैं। अपने मित्रों एवं प्रियजनों को छोड़कर आपस में एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। यह एक अच्छा मौका है जिसके कारण अपनी व्यस्त दिनचर्या से बाहर निकलकर उन क्षणों को याद कर सकेंगे जबकि आप पहली बार अपने साथी से मिले थे। आज की शाम प्रेम पूर्वक उत्साह पूर्वक एक साथ बिता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के करियर के बारे में। आज आप पाएंगे जो काम आपके हाथ में है उन्हें आप पूरी कुशलता से पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज अपनी सभी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो कदम उठाए उनसे आपको संतुष्टि होगी। इस तरह से काम करते रहें चाहे इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े, अंत में परिणाम से आपको खुशी ही होगी। वही वित्त के मामले में वृषभ राशि वालों आज किसी नए करार पर हस्ताक्षर करने से पहले होशियार रहना पड़ेगा। बेहतर तो ये होगा कि आप पहले किसी विधि सलाहकार से इस विषय में सलाह ले लें। अगर आपने बिना ठीक से पढ़े सुने किसी मसौदे पर हस्ताक्षर कर लिया है तो हो सकता है भविष्य में आप बड़ी मुसीबत में फंस जाए। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। वृषभ जातक आज आपको सेहत से संबंधित कोई परेशानी होने के संकेत है। हो सकता है आपको कोल्ड हो जाए, आज पूरे दिन जुकाम सूखा गला और बुखार जैसा महसूस हो सकता है, इसी डॉक्टर के पास जल्द ही जाए। आज आपको सेहत से संबंधित सावधानी बरतने की जरूरत है। और आखिर में वृषभ राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच का समय आपके लिए अच्छा माना जा सकता है। बैंगनी रंग आपके लिए शुभ रंग है। मिथुन राशि। सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर आपको बेचैन और अधीर बना सकता है। आज आपके कौशल की परीक्षा हो सकती है, आप इसमें सफल होंगे। आप मजाकिया हैं और अपने किसी भी कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए सक्षम रहेंगे। आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपका साथी आपकी सभी कोशिशों में आपका भरपूर साथ देगा। यदि वह आपकी वजह से किसी कठिन दौर से गुजर रहा है तो आप अपना भरपूर सहयोग दें। अपने प्रेम भरे व्यवहार से आपसी लेन देन के लिए सदैव तत्पर रहें। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के करियर के बारे में। आज का दिन आपको कोई परेशानी नहीं होगी बल्कि आपको कुछ नए मौके भी मिलेंगे। अपने रास्ते में आने वाले हर मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करें। इस तरह के मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते, इससे व्यवसायिक या व्यक्तिगत क्षेत्र में आपको भविष्य में लाभ ही होगा। वहीं वित्त के मामले में मिथुन राशि वालों आज आप विचार कर ही लीजिए कि आपको किस तरह की बचत योजना में अपना पैसा लगाना है। अगर कई सारे अच्छे विकल्प सामने हो तो किसी आर्थिक सलाहकार से सलाह ले लीजिए और आपने जो भी सबसे बढ़िया विकल्प हो उसमें पैसा लगाइए। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मिथुन जातक आज आप राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि आज आपकी सेहत और मूड दोनों ही बढ़िया रहने वाले हैं। आज आप पूरे दिन खुश रहेंगे, मगर लापरवाही ना करें और अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए व्यायाम जरूर करें। और आखिर में मिथुन राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार सुख शांति के लिए हरे रंग के कपड़े पहने। शाम 4 बजे से पहले किसी भी महत्वपूर्ण कार्य मीटिंग को शेड्यूल करें। कर्क राशि। सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर आपके घर में मौज मस्ती और हंसी का माहौल रख सकता है। आप अपने दोस्तों और परिवार की कंपनी का आनंद ले सकते हैं। आज कुछ मेहमान आपके घर आ सकते हैं, उनकी कंपनी का भी भरपूर आनंद मिलेगा। आप अपने मेहमानों को प्रभावित करने की कोशिश में अधिक खर्च कर सकते हैं, सावधान रहें अन्यथा आप देखेंगे कि आपके खर्चे बढ़ गए हैं। आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज के दिन आपसे रिश्ते बनाएं एवं उन पर अपना ध्यान केंद्रित करके अमल करें। अपने साथी को अपनी भावनाओं से अवगत कराएं जिससे आपको सकारात्मक फल की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपको अपने साथी के साथ अकेले में एक दूसरे के साथ मन बहलाव करना चाहिए। आप प्रेम में डूबे रहना चाहते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लें, अन्य रास्ते खुल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के करियर के बारे में। चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं या फिर स्कूल में पढ़ते हैं, आपको किसी ऐसी शांत जगह की तलाश करनी चाहिए जहां आप किसी व्यवधान के पढ़ या काम कर सके। आप पाएंगे कि आज अपना ध्यान अपने जिम्मेदारियों से भटका हुआ है। अगर आज अपना ध्यान केंद्रित कर सके तो आप पाएंगे आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। वहीं वित्त के मामले में कर्क राशि वालों, अभी हाल ही में आर्थिक मामले में लिया गया कोई निर्णय आपके लिए थोड़ी चिंता का कारण बन सकता है। आपके व्यवसाय में खड़ी हो रही बाधा या चुनौती भी आपकी चिंता का कारण बन सकती है।
हो सकता है आपको भी छोटा मोटा नुकसान हो जाए, लेकिन कुछ दिनों में उसकी भरपाई भी हो जाएगी और कमाई भी। लेकिन जब तक गाड़ी ठीक से पटरी पर नहीं आ पाती है तो पैसे रुपए को खर्च करने या निवेश करने के मामले में हाथ बांध कर ही चले। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कर्क जातक, तनाव भरे दिनों के बाद आज आप अच्छा महसूस करेंगे। आपके लिए अच्छा होगा कि आप हल्का व्यायाम करें और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने की कोशिश करें। आप अपने दोस्तों को लंबी दौड़ के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, भले ही बाद में आप उनसे बात ना करें। और आखिर में कर्क राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो की ज्योतिषों के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए हल्का नीला रंग पहने। दोपहर 12:15 से दोपहर 1:30 के बीच का समय महत्वपूर्ण रहेगा। सिंह राशि, आज आप आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं। आपके पास अधिक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है। सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर आपको कई मुद्दों को सुलझाने में मदद कर सकता है। चिंता ना करें, आपकी सभी समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है। संवाद करते समय ईमानदार रहें। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपका पार्टनर आपके लिए सहूलियत लाएगा। आप दुनिया भर के तनाव को किनारे रखकर अपने सच्चे पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। आपको पता है कि रिश्ते में खुद को आगे ले जाना होता है। आज उसे आप महसूस कराएं कि इस दुनिया में उसके लिए आपसे बढ़कर कोई खास नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के करियर के बारे में। किसी खास काम को करने में आज आपको तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इससे आपको अपनी छिपी हुई प्रतिभा को दिखाने का मौका भी मिलेगा। इसलिए दिए गए काम को पूरी तरह से करने की पूरी कोशिश करें। वहीं वित्त के मामले में सिंह राशि वालों आज थोड़ा संभल कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक लाभ के संकेत हैं। खर्चे के मामले कोई अनाप शनाप फैसला बिल्कुल भी ना लें। साथ ही दूसरे मामले में खुलकर चलने की कोशिश ना करें, क्योंकि आज के लिए कुछ समस्या यूं ही खड़ी हो सकती है। आज संभल कर निकलने का दिन है, इसलिए कुछ चीजों को कल पर छोड़ दें। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। सिंह जातक, कफ और जुकाम से सावधान रहें, क्योंकि आज आप छोटी मोटी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। आपको इन छोटी बीमारियों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। आखिर में सिंह राशि वालों के लिए टिप्स ऑन करें। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषों के अनुसार बैंगनी रंग में कुछ भी पहन सकते हैं। सर्वोत्तम परिणामों के लिए शाम 4:15 से 5:15 के बीच का समय अच्छा है। कन्या राशि, सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर आपको अपनी परेशानियों को भूलने और चीजों को ठीक से करने में मदद कर सकता है। आप दोस्तों और परिवार के साथ अपना समय बिता सकते हैं। आज आप भाग्यशाली हो सकते हैं। आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आपका अपने साथी के साथ रिश्ता प्रेम से भरपूर होगा। इसका प्रतिकार साथी से आपकी इच्छा अनुसार आपको प्राप्त होगा। अपने साथी के साथ अपनी भावनाओं को प्रकट करने पर उससे भरपूर प्रेम प्राप्त होगा। अवैध लोग अपने गुणों पर विशेष ध्यान रखें, जिन पर आपका चाहने वाला अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के करियर के बारे में। आज आप अच्छे दिख रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं और कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए शुभ है। आपके आकर्षण या कार्य क्षमता से कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ही लाभ होगा। आज आप अपने व्यक्तिगत प्रयासों से ही व्यवसायिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। वहीं वित्त के मामले में कन्या राशि वालों, आर्थिक मामले में जो आपको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए बड़े जोखिम वाला कोई निवेश ना करें, अन्यथा नुकसान और बड़ा होगा। कुछ आर्थिक मामले ऐसे आएंगे जिसे आप टाल भी नहीं सकते हैं, इसलिए विशेष करने के मामले में अभी पुराने तरीके पर ही कायम रहें और ये दौर जल्द ही गुजर जाएगा। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कन्या जातक, आज आपको सुरक्षित खाना और बचाव के सुरक्षित तरीके इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं, इसलिए आप अपने परिवार वालों को किसी बीमारी या संक्रमण से दूर रखें। ध्यान रहे आप ज्यादा तापमान और ज्यादा भीड़ वाली जगह ना जाएं। आप छोटी छोटी बीमारियां जैसे कफ और कोल्ड को थोड़ा सा दिमाग लगाकर दूर भी कर सकते हैं। और आखिर में कन्या राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषों के अनुसार यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो शाम 5 से शाम 6:45 तक कर सकते हैं। लाल रंग दिन के लिए भाग्यशाली रंग है। तुला राशि, सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर आपको अपने जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में थोड़ा निराश कर सकता है। आप हार ना माने, आप जो कर सकते हैं करें। आपको यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। अपनी योजना पर फिर से विचार करें। अगर आप व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं तो आपको अपने सपने हकीकत में बदलते नजर आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको रोक सके। आइए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको अच्छी तरह समझता है। आप ऐसे व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं जो आपके जज्बातों को समझ सके।
परवाह कर सके और झिड़के नहीं, ऐसे व्यक्ति को पाने के लिए प्रयास करें। आपको सफलता मिलेगी और आप बेहद खुश होंगे। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के करियर के बारे में। आपको अपने ज्ञान व समझ का प्रयोग अपने करियर को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। आपको अपने व्यवसायिक फैसलों पर भरोसा करना चाहिए, वे सही हैं। अगर समय के लिहाज से देखा जाए तो समय आपके लिए काफी भाग्यशाली रहने के आसार है। वहीं वित्त के मामले में तुला राशि वालों, आज का दिन तो ऐसा है जैसे आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। कमाई से ज्यादा आज खर्चे के संकेत है, इसलिए गैर जरूरी चीजों को खरीदने से जरूर बचे। अपनी जेब को थोड़ा सा तंग करके चले, इस तरह के आप खर्चे के बोझ से बच निकलेंगे। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। तुला जातक, आज आप खुद को ऊंचाई पर महसूस करेंगे। आज आपका आत्मविश्वास और बल भी ऊंचा रहेगा, इसे आप किसी भी कार्य को कर सकेंगे। आप अपने दृढ़ निश्चय और सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग नए कार्य प्रारंभ करने में कर सकते हैं। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यकारी नीति अपनाएं। और आखिर में तुला राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार आपके दिन का सबसे शुभ समय शाम 4:30 बजे से 6 बजे के बीच माना जा सकता है। हरा रंग दिन के लिए शुभ रंग है। वृश्चिक राशि। सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर आपको कुछ निराश महसूस करा सकता है। यह आपके व्यवहार और दूसरों के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है। ऐसा आपके रास्ते में आने वाली कुछ बाधाओं या समस्याओं के कारण हो सकता है। आपको अभी भी अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आज आप प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप नकारात्मक विचारों से परिपूर्ण रहेंगे। आपका साथी आपकी रोमांस भरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। आपको चाहिए कि आजकल चल रहे आपसे रिश्ते के बारे में आप कोई निर्णय लें। यदि आप उस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं तो ईमानदारी से अपना इरादा व्यक्त कर दें। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के करियर के बारे में। आज आप कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने का सपना देखेंगे। इसे केवल एक सपना ना ही रहने दें। सोचिए कि आप अपने नेतृत्व कुशलता को बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं। इसके लिए आपको और ज्यादा जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वहीं वित्त के मामले में वृश्चिक राशि वालों, कुछ वस्तुएं जिन्हें आप बहुत पहले से खो चुके थे आपको आज वो मिल जाएंगी, या आपके लिए कुछ विशेष वस्तुएं हो सकती हैं। आज का दिन आपके लिए सबसे अच्छा है क्योंकि आज अपनी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। अपनी आंखें सतर्कता पूर्वक खुली रखें क्योंकि आज आपको जो चीजें प्राप्त होंगी उनमें से एक वस्तु इतनी मूल्यवान है जिसे आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। वृश्चिक जातक, दिल के रोग से ग्रस्त लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। याद रखें, आप संतुलित खाना लें ताकि आपका स्वास्थ्य बना रहे। दिमागी तनाव को ना ले दे, इससे परेशानी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें। और आखिर में वृश्चिक राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार आपको शांत रहने की आवश्यकता है। हरे रंग के कपड़े पहनने से सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में काफी मदद मिलेगी। धनुराशि। सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर आपके दिन को उत्साह से भर देगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपके ध्यान और दृढ़ संकल्प के स्तर में वृद्धि हो सकती है। काम के दौरान आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। चिंता ना करें, आज का दिन आपके पेशेवर और निजी जीवन दोनों के लिए काफी अच्छा है। आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। अपने साथी की वजह से आपकी दयालुता एवं नरम मिजाजी आपकी चरम सीमा पर है। आप पाएंगे आज आप अत्याधिक आकर्षक एवं आत्मविश्वास से भरपूर हैं, जिसके कारण आपका साथी शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से आपके साथ है। आज आप दोनों ही अच्छे वक्ता एवं श्रोता बने, इससे आपका रिश्ता अपनी चरम सीमा तक पहुंच सके। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के करियर के बारे में। आज आपके करियर में सकारात्मक सुधार आएगा, वो भी सिर्फ इसलिए कि आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर ये सोच रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। इस बात पर ध्यान दें, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आप डेयरी या केमिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। वहीं वित्त के मामले में धनु राशि वालों, अपने वाहन जैसे कार आदि के प्रति उचित सावधानी बरतें, क्योंकि चोरी होने की वजह से इन चीजों से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। आज आपको अपनी कीमती वस्तुओं की अच्छी प्रकार देखभाल की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी गलती के बिना ही उसके नुकसान होने या चोरी होने की आशंका है। आप सुनिश्चित कर लें कि आपके पड़ोसी कहीं आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाले। यदि आप सतर्क रहें तो आप इस नुकसान से बच सकते हैं। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। धनु जातक, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। आपको अच्छा खाना खाने और व्यायाम करने की आवश्यकता है ताकि स्थिति को बनाए रखें। आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा नहीं रह सकता, इसलिए अच्छी आदतें डालें और स्वस्थ रहें। और आखिर में धनु राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे।
एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार दोपहर 3:15 से शाम 4 के बीच कुछ महत्वपूर्ण योजना बना सकते हैं। हल्का नीला आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है। मकर राशि। सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर आपको भावनात्मक रूप से अधिक जागरूक बनाएगा। आप अपने व्यक्तिगत संबंधों में सुधार लाने के लिए उन्हें महत्व देते हैं। अतीत के कुछ मुद्दे सुलझेंगे क्योंकि आपके मन में स्पष्टता होगी। आज आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। काम के मोर्चे पर भी आपके प्रयासों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। पिछले कुछ समय से रोमांस के क्षेत्र में कई रुकावटें आई हैं, किंतु अब सकारात्मक विकास होने की पूरी संभावना है। आज अपना संयम बनाए रखें और अपने जीवन में महत्वपूर्ण बातों पर जरूर ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के करियर के बारे में। परीक्षा की इस घड़ी में आप अपनी रचनात्मकता से मिले हुए मौकों को अपने हक में कर पाएंगे। आप ये जान सकेंगे कि मेहनत का कोई और विकल्प नहीं है और सफलता का कोई और छोटा रास्ता नहीं होता। इसलिए अपने ध्यान अंतिम लक्ष्यों पर रखें और अपने आसपास एक मजबूत टीम बनाने की पूरी कोशिश करें। वहीं वित्त के मामले में मकर राशि वालों, अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर आप थोड़ी चिंता में पड़ सकते हैं। हो सकता है परिवार के सदस्य भी कुछ बड़ी रकम आपसे मांग रहे हो और आपको लगता है कि उसकी रकम की वापसी नहीं होगी। इससे आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। इसलिए इस हालत से समझदारी से बचने निकले ताकि ना पैसा हाथ से जाए और ना ही रिश्ता बिगड़े। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मकर जातक, आज आप अपने करियर को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे, जिससे आपको मानसिक तनाव मिल सकता है। किसी की सलाह अनुसार योग और ध्यान करें ताकि आपको तनाव से छुटकारा मिले और मांसपेशियां भी ठीक रहें। आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी और दिमाग को शांति मिलेगी। और आखिर में मकर राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए भूरे रंग में कुछ पहन सकते हैं। शाम 7 से 9 तक का समय आपके लिए दिन का सबसे अच्छा समय माना जा सकता है। कुंभ राशि। आज आप थोड़ा आलसी और सुस्त महसूस कर सकते हैं क्योंकि सिंह राशि में चंद्रमा आपको जुखाम बुखार का शिकार बना सकता है। इसलिए आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। आपको सबको छोड़कर दिन की छुट्टी लेने का मन कर सकता है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ नया करने की कोशिश करें ताकि आपका मन फिर से अपने परिवेश में लग जाए। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। अपने साथी के कारण आपकी जिंदगी खुशनुमा एवं मनोरंजन से भरपूर बन गई है। आज का दिन मनोरंजन एवं प्रेम से सराबोर होगा। आपसी रिश्तों की खुशी आपके दिल को भरपूर आनंद से भर देगी। आप अपने साथी को बताएं कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के करियर के बारे में। अपने करियर को आगे बढ़ाने के सपने को पूरा करने के लिए आपको अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना पड़ेगा। इस परिवार के लिए अपने इरादे मजबूत रखें व लगातार मेहनत करते रहें। आपकी सकारात्मक सोच व मेहनत से आपको सफलता जरूर मिलेगी। वहीं वित्त के मामले में कुंभ राशि वालों, आज आपको आर्थिक मामले में कोई गहरा झटका लग सकता है। अगर किसी कर्ज के लिए आवेदन कर रखा है तो आज वहां से मना ही हो सकती है और आपको पैसों के लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ जाए, लेकिन वहां से तो पैसा नहीं मिलेगा जहां से आप उम्मीद बांधे बैठे हैं। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मगर आज आपको छोटे मोटे दर्द से लड़ना होगा। आज आपको हल्का व्यायाम भी करना होगा। बड़ी समस्या से ना घबराएं क्योंकि स्वास्थ्य की परेशानी ज्यादा दिन के लिए नहीं है। पेट को ठीक रखने के लिए पौष्टिक खाना खाएं। और आखिर में कुंभ राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार आज आपका शुभ रंग ग्रे है। आपके लिए शुभ समय शाम 6 से 7 के बीच माना जा सकता है। मीन राशि। सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर आपको बेचैन कर सकता है, जिससे आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। आपको ऑफिस में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। आज अपनी प्राथमिकताओं पर करीब से नजर डालें और फिर उसके अनुसार कार्य भी करें। किसी करीबी दोस्त या सहकर्मी से बात करने से आपको स्पष्ट रूप से सोचने और आने वाले समय को पूरा करने में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप अपने साथी के साथ जिंदगी का भरपूर आनंद लेंगे। भावनाओं में बहकर अपने रिश्तों को रोमांच से भरपूर कर लेंगे। सकारात्मक सोच कायम रखते हुए अपने साथी को भरपूर प्यार भी दें। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के करियर के बारे में। सकारात्मक सोच, कुशल संप्रेषण कला व सबके साथ मिलकर काम करने की क्षमता के कारण आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे। इससे आपको अपने लंबे समय को उद्देश्य को प्राप्त करने में तो सफलता मिलेगी, वित्तीय लाभ भी मिलेगा। किसी भी काम को नए तरीके से करने का साहस आपको सफलता जरूर दिलाएगा। वहीं वित्त के मामले में मीन राशि वालों, आज अपने संवाद में सावधानी रखें,
कुकीज में हुई चूक से आपके तिजोरी पर असर पड़ सकता है। अगर आप कुंडों की खरीद का ऑर्डर दे रहे हैं तो उसकी मात्रा और उसके मूल्य पर ध्यान से नजर डाल लें, नहीं तो क्या पता कोई ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। जहां सबका ठीक ठाक ब्यौरा रखने से आप सुरक्षित रहेंगे। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मीन जातक, आज आपको शांत और स्वच्छ वातावरण में जाने की आवश्यकता है ताकि आपकी सेहत और कार्य करने की क्षमता और बढ़ सके। पर आखिर में मीन राशि वालों के लिए टिप्स ऑन करें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार काम से जुड़े किसी भी फैसले को लेने का सबसे अच्छा समय शाम 5:35 से शाम 6:35 तक रहेगा। आज आपके लकी कलर पर्पल है। यह राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। अगर आप कुंडली, विवाह, पंचांग, शुभ मुहूर्त, राशिफल आदि से संबंधित या व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से और पाएं अपनी समस्याओं का समाधान इंडिया के बेस्ट ज्योतिषा चैनल से। एस्ट्रो योगी, इंडियाज नंबर 1 लाइव एस्ट्रोलॉजी ऐप।